हमें राइड मिली है हिमाचल में पहली हिचहाइक। टू बी ऑनेस्ट मैं थोड़ा घबरा गई थी, उसके बीच में कुछ नहीं है, इट्स अ बैरन प्लेस बट वी लकी। हेलो गुड मॉर्निंग जूले अंकल, पानी लेके आ रहे? अच्छा तो देखो यार, यहाँ के लाइफ इतना टफ है ना, बहुत डिफिकल्ट है ऐसे पानी कैरी करते। वो ये मॉनेस्ट्री कितना पुराना होगा? ये मॉनेस्ट्री तो आप 1000 साल पुरानी। वृंदा मैम इज योर फेमस कंटेंट क्रिएटर। तो गाइज यहाँ पे ना 12 बजे लंच होता है, तो ये सारे लंच कर रहे सारे मॉम। हर्बल टी है ये तो लग रहा है, हर्बल टी है जी। तो यहाँ पे पानी का इतना दिक्कत है ना कि ये आइस ये पेड़ों को लगा रहे। बहुत पुराना है ना। कितने साल हो गया ये घर को आंटी? तो 40 साल। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग एंड टुडे इज सेकेंड डे इन स्पीति। अभी मैं करेंटली की में हूँ, कल आ गया था जैसे कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा। और सुबह सुबह के टाइम हो रहा है 7:30 एंड सनराइज हो गया, बट इस साइड पे दिख नहीं रहा क्योंकि थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, देख सकते हो सामने ये पहाड़ से ढका हुआ है। और ये व्यू चेकआउट करो गाइज, लुक एट दिस व्यू, क्या नज़ारे है देख सकते हो आप लोग, पूरा स्नो कवर्ड माउंटेन्स। और टेम्परेचर अभी -5 के अराउंड है, बहुत ठंड है। रात को ना हमें ठंड तो नहीं लगी, और पूरा ये देखो टैनिंग हो गया फेस पे ना, ये पूरा स्किन निकल रहा है, मज़ा आ रहा है लेकिन ठंड होने के बावजूद भी। और एक छोटू सा बच्चा है उससे मिलवाता हूँ, घर को जा रहे हो? ईवी जा रहे हो? हेलो करो, हेलो हेलो करो, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग। आपका नाम क्या है? तो ये छोटू सा बच्चा यहाँ पे खेल रहा है सुबह सुबह, इनके ये देखो स्किन में, ओए ऐसे करो ऐसे, ए क्यूटी। तो अभी मतलब आज एक्सप्लोर करेंगे स्पीति, काफी सारे मॉनेस्ट्री आज घूमेंगे, ट्राई करेंगे। उधर ये छोटू सा बच्चा अब बता रहा है, कुछ बता रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो अभी ना जैसे हाथ एकदम फ्रीज हो रहा है, तो वो जो सर है जिनका ये होम स्टे, वो चाय पीने के लिए बुला रहे, तो आज हम चाय पीते फिर आपसे थोड़ी देर में मिलते और ऊपर रूफ टॉप से आपको व्यू दिखाता हूँ चाय पी के। A few moments later. तो दोस्तों अभी ना मैंने चाय पी ली एंड मेरे पीछे की मॉनेस्ट्री, और ये व्यू चेकआउट करो क्या है गाइज, ये लुक एट द व्यू, पूरा बर्फ ही बर्फ। एंड यहाँ पे सोलर पैनल लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम्स रहती है ना, तो इन्होंने सोलर पैनल लगाया हुआ है यहाँ पे। और कुछ ऐसा गांव है ये की विलेज बोलते हैं इसको। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पता क्या है, इस गांव में सिर्फ 55 हाउसेस है, 55 घर है, तो कितने कम लोग रहते हैं। भाई मैं इतने सालों से ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं यहाँ लेट, इतना लेट क्यों आया, 6 साल क्यों लग गए मेरे को यहाँ आने में, मैं यही सोच रहा हूँ। इससे ब्यूटीफुल लैंडस्केप अभी तक मैंने जितना भी ट्रैवल किया कहीं नहीं देखा था, बहुत रिमोट है एंड लोग कम है, बहुत ही सुंदर है, लोग काफ़ी प्यारे हैं। ये मेरे सामने है की मॉनेस्ट्री। हाय लेंजिम, ये लेंजिम है, इनकी इनका ही होम स्टे है। सो ये कुछ गाय को सहला रही है। या दिस इज अमेजिंग, बहुत सही है, लुक एट द व्यू। एंड व्हाट्स योर नेम? हाँ नहीं नहीं, इनका इनका सृष्टि जूले। सो ब्यूटीफुल यार, बहुत सही है। और इनका ना ये रूफ टॉप है ना पूरा मड का है, एंड नीचे इन्होंने लकड़ी लगा रखे, ऊपर मड है, तो बहुत सही है। एंड थोड़ी देर में ना की मॉनेस्ट्री जाऊंगा, आगे चिचम ब्रिज है, वो सारी चीज़ें कवर करूंगा, और भी जगह जाता हूँ तो मैं आपको अपडेट दूंगा, आज घूमाऊंगा आप लोगों को आसपास। तो आई होप आप लोग इन्जॉय करोगे ब्लॉग को। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो दोस्तों अभी जस्ट ब्रेकफास्ट किया एंड रेडी हो गया, अभी हम की मॉनेस्ट्री जा रहे हैं। अभी ऊपर ना मौसम ख़राब हो रहा है, ऊपर देखो आई थिंक स्नोफॉल हो सकता है, आई डोंट। और जो अभी जहाँ पे अभी मैं हूँ ना, इसका हाइट है 13,668 फीट, इसका मीटर में बात करूँ तो 4,166 मीटर, जो कि काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड में है, और मौसम भी आई थिंक बिगड़ने वाला है।
और मेरे साथ है उषा फ्रॉम झारखंड. हेलो जुले. जुले सी इज ऑल्सो क्रिएटर और इनका भी चैनल है. व्हाट्स योर चैनल नेम? चैनल इज उषा तिरू. हाँ. USHATIRU. तो सब्सक्राइब कर लो इनको भी. सो वी मेट यस्टरडे. तो हम सेम होम स्टे में रुके हुए हैं. जिनका ये होम स्टे है ना लेंजिन, उनकी फ्रेंड है ये. और हमारा कोई प्लान नहीं है, कोई रास्ता, कोई गाड़ी नहीं है. हिचहाइक करने वाले हैं, पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं. सो इट्स गोना बी एन एडवेंचरस जर्नी टुडे. सो कीप फॉलोइंग अस थ्रू आउट द जर्नी. या सो एक्चुअली यार की मोनेस्ट्री ना मैं वीडियो एंड फोटोज में देखा था और अभी सामने दिख रहा है. तो आपको अभी क्लोजर लुक दूंगा आगे ऊपर जाके. तो या आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि काफ़ी टाइम से प्लान था इधर आने का. इट्स ऑलमोस्ट 6 ईयर्स जब से मैंने ट्रैवल स्टार्ट किया एंड नॉट रिग्रेट बट इतना लेट हो गया कि मेरे को यहाँ आना. झूले अंकल पानी लेके आ रहे? अच्छा तो देखो यार यहाँ के लाइफ इतना टफ है ना, बहुत डिफिकल्ट है ऐसे पानी कैरी करते है. आपका नाम क्या है सर? अच्छा कहाँ नीचे आपका घर? अच्छा ठीक है, बाय बाय, थैंक यू. तो यार देखो यहाँ पे पानी ऐसे कैरी करते और याक भी है इधर. ये याक है, स्पीति का याक. यहाँ पे ना एक ब्रिज बना हुआ है, वुड का ब्रिज. कीचड़ है काफी, लोकल्स ने बनाया है ब्रिज. ये थोड़ा सा पानी का जो स्ट्रीम है इसको क्रॉस करने के लिए. सो गाइस जहाँ से ना की मोनेस्ट्री का स्टेज स्टार्ट होता ना वहाँ पे पहुँच गए. सामने ये देख सकते हो की मोनेस्ट्री. तो यहाँ से ना ये स्टेज है. मैंने ना इतने स्टेज तो लाइफ में कभी क्लाइम नहीं किए. सो ये थोड़ा एडवेंचर ही होने वाला है इतने ऑल्टीट्यूड में जाना. तो या दिस इज़ द वे टू की मोनेस्ट्री. और मोनेस्ट्री को लोकल लोग गुम्पा भी बोलते हैं. फॉर योर इन्फॉर्मेशन दिस इज़ द फुटवे टू की मोनेस्ट्री. सो गाइस थोड़ा सा मैं स्टेज क्लाइम किया ना अराउंड 200 मीटर. सांस फूल रही क्योंकि बहुत हाई अल्टीट्यूड में हूँ ना मैं अभी. एंड स्टेज क्लाइम करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. एंड मेरे पीछे व्यू देखो, पूरा स्नो कैप माउंटेन्स, पूरा स्नो से भरा ये माउंटेन्स. ऐसे देखो ये नीचे रोड है, इतना ऊपर आया हूँ मैं. Wow, look at the view, guys. What is this, guys? ये नीचे दिख रहा है, ये पूरा गांव है की विलेज. एंड लुक एट द माउंटेन्स. और ये वाला जो है ना, ये वाला जो स्पीति रिवर है, क्या व्यू दिख रहा है यार यहाँ से. और एक की मोनेस्ट्री बिल्कुल पास में आ गया. गाइज मुझे ना ये माउंटेन्स देख के ना इतना खुशी कब, मतलब आई वॉज नॉट हैप्पी दिस मच बिफोर. वाह व्हाट इज दिस गाइज, क्या है ये, क्या है, व्हाट इज दिस, लुक एट द माउंटेन्स, ओह माय गॉड. सो गाइज दिस इज द फेमस की मोनेस्ट्री हियर इन की विलेज. क्या सुंदर दिख रहा है झूले. ये स्कूल है यहाँ का. वो ये मोनेस्ट्री कितना पुराना होगा? तो हजार साल एंट्री की से इधर से. अच्छा 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 अंदर अलाउड नहीं होगा ना रिकॉर्ड करना? अंदर आप ऊपर तक कर सकते हैं. ऊपर तक अच्छा अंदर नहीं होगा. ठीक है, थैंक यू. सो गाइस दिस इज द स्कूल की गोम्पा. ये स्कूल है, अभी तो बंद है क्योंकि इट्स वेरी कोल्ड हियर. तो राजकीय उच्च विद्यालय की गोम्पा पाठशाला, बहुत सुंदर है स्कूल. सो गाइस दिस इज द वे ऑफ मोनेस्ट्री. तो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं. क्या व्यू दिख रहा है. सो गाइज दिस इज मेन गेट है मोनेस्ट्री का. ये सो गाइज ये ऊपर वाले पार्ट का है मोनेस्ट्री. टेम्पल है इधर, अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है टेम्पल के अंदर. इट्स लुक सो ब्यूटीफुल. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर आई ब्रिंदा मैम इज योर फेमस कंटेंट क्रिएटर.
I was like ki yahan dekha hua hai. You came in Sangla as well, right? But come here every year. Very nice. Aada tourism city mein bhi. Yeah, so nice to meet you. तो गाइज यहाँ पे ना 12 बजे लंच होता है, तो ये सारे लंच कर रहे हैं सारे मॉन्क्स जो बैठ के ना। तो गाइज अभी मैं बहुत ऊपर आया हूँ मॉनेस्ट्री का व्यू ऊपर से देखने के लिए, और यहाँ तक अभी कोई आया नहीं है। नीचे नीचे ये देखो सब नीचे बैठे हुए, इधर देखो नीचे बैठे हुए, मैं ऊपर आया हूँ। और ये मॉनेस्ट्री का व्यू देखो यहाँ से गाइज, वाओ लुक एट द व्यू। बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही, कोल्ड ब्रीज and this mountains, wow। तो इस मॉनेस्ट्री में ना अभी लंच टाइम हो रहा था, तो मॉन्क्स जो है लंच कर रहे थे। एंड अगर आपको यहाँ पे स्टे करना है तो लास्ट अप्रैल से आप यहीं पे आके बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आओ मॉनेस्ट्री में, यहाँ आके अपना मेडिटेशन करना हो चाहे रहना हो, तो आप यहाँ पे आके आराम से रह सकते हो। चार्जेस आई थिंक 300 समथिंग ऐसा कुछ है, वो आप यहीं पे आके पूछ लेना जब भी आप लोग अगर आते हो कि मॉनेस्ट्री में आप स्टे करना चाहते हो, मेडिटेट करना चाहते हो, यू कैन स्टे हियर। तो बहुत ही सुंदर ये मॉनेस्ट्री है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। आई एम एंजॉयिंग दिस व्यू फ्रॉम हियर अलोन, मज़ा आ रहा है, लव्ड इट हियर, एब्सोल्युटली अमेजिंग प्लेस टू बी हियर। हर्बल टी है ये तो लग रहा है, हर्बल टी है जी। तो यहाँ पे पानी का इतना दिक्कत है ना कि आइस ये पेड़ों को लगा रहे, क्योंकि ये पूरा कोल्ड डेजर्ट है। सो गाइज हम की मॉनेस्ट्री से आ रहे थे चिचम ब्रिज के लिए, एंड उसे इज हियर, हमें राइड मिली है चिचम ब्रिज तक के लिए की। तो यार हिमाचल में पहली हिच हाइक, लाइक टू बी ऑनेस्ट मैं थोड़ा घबरा गई थी, जैसे मैंने बोला कि पत्थर आते हैं यार, थोड़ा डर रहा था यहां रास्ते के बीच में कुछ नहीं है, इट्स अ बैरन प्लेस, बट यू आर लकी, मतलब आप अच्छा सोचो सब अच्छा। सो या This is all about traveling. अगर आप solo travel करते हो तो ये सारे adventure आप कर सकते हो, आप group में travel करते हो ना तो ये सारी चीज़ें आप miss करते हो। So आप view देखो पहले, फिर बता रहा हूँ। 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day. तो दोस्तों हम हैं चिचम ब्रिज में, ये ब्रिज है, काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ फ़ोटो खिंचवा रहे, जगह नहीं है, तो प्रेयर फ्लैग्स लगे हुए इधर, एंड दिस इज़ द माउंटेन्स। ये ब्रिज है, नीचे यहाँ फूड स्टॉल लगा रखा है गाड़ी में, तो कुछ है खाने का, चाय मैगी, तो काफ़ी चीप है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ इंडिया, तो बहुत सही है यार। यहाँ पर हमने चाय एंड मैगी खाया, और ये कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है यहाँ से, और ब्रिज अभी तो खाली है, तो देखते हैं फोटो वोटो खिंचवाने की कोशिश करते हैं। A few moments later. गाइस ये काउ एंड याक का ब्रीड है मिक्सचर, एंड लुक एट दिस गाइस, ये है किब्बर गांव और ये है किब्बर का पोस्ट ऑफिस, ये छोटा सा गांव है, तो ये बच्चे भी है यहाँ पे गांव में क्यूट क्यूट से। तो ये आंटी ऊन ऊल बना रहे, ये यहीं पे होता है इसी विलेज में। अच्छा मतलब दिस इज नेचुरल ऊल वुलन, काफ़ी सॉफ्ट है यार ये,
या डाल दूं? हाँ डाल दो। आपका घर है ये? घर बहुत पुराना है ना? हाँ जी पुराना है बहुत। कितने साल हो गया ये घर को आंटी? ये घर को 40 साल का। 40 साल? अच्छा, ये पूरा मड हाउस है एंड इधर याक भी है, हॉर्स है ना वो, ये काऊ है छोटे छोटे। ओ तो यहाँ पे देखो काऊ ऐसे होते हैं इस साइड में ना। हाँ काटता है। हाँ सो दोस्तों ये ना किब्बर का स्कूल है एंड दिस इज द स्कूल, छोटू सा स्कूल है ये देख सकते हो आप लोग, बहुत सही है, अभी क्लोज है। सो गाइज अभी मैं होम स्टे में वापस आ चुका हूँ, पूरा आज दिन घूम के, जैसे कि की मोनेस्ट्री, चीचम ब्रिज एंड किब्बर विलेज घूम के आगे पूरा दिन हिचाइक किया एंड लिटरली टायर्ड, थोड़ा सा मुंह धो के अभी बैठा हुआ हूँ। तो आई होप यू गाइज इन्जॉय द वीडियो, इफ इन केस लाइक द वीडियो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब कॉमेंट शेयर वॉट एवर यू वॉन्ट एंड सी यू टुमारो। एंड कल हम कहीं और घूमते, वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर मोर प्लेसेस इन स्पीति। तो अंटिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।